ये आगे का है, ये जस्ट निकलने से पहले ये तीनों पता नहीं कुछ बहुत गंभीर कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कार को लेके। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम, वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज हम लोग निकल रहे हैं अगेन फॉर आवर ट्रिप और सब कुछ रेडी हो चुका है। आज मैं लेट नहीं हुई और मुझे कोई डांट नहीं पड़ी, आज मैं बिल्कुल वक्त पे रेडी थी। तो अभी पापा भी आ गए हैं, वो बैठेंगे और फिर हम निकलेंगे। और ये मेरे पीछे जो आपको घूम आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हमारे एयरक्राफ्ट। एंड बाय द वे, मैंने आज अपने नए ग्लेड्स पहने हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कैसे। ये मेरे साथ बैग्स और मेरा तकिया और मेरा घर। यस, गुड मॉर्निंग। सो हो गई है अगले दिन की सुबह और मैं अभी पी रही हूँ चाय। सुबह नहीं, एक्चुअली दोपहर हो गई है। आज हम लोग बहुत लेट उठे, मैं एक्चुअली 10 बजे उठी, मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा और शोएब का रूम ऊपर है, तो मुझे नीचे सबकी आवाज़ आई, कि सारी मम्मियों की आवाज़ आई। वहाँ से अम्मी कुछ बोल रही थी, नाजा खाला कुछ बोल रही थी, फिर मम्मी कुछ बोल रही थी, तो मुझे सबकी आवाज़। तो मैं बोला चलो, सबका मन लगा हुआ है, सब लोग मस्ती में, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मैं, वो कहते हैं ना 5 मिनट की नींद और ले सकती हूँ, फिर मैं 1-1.5 घंटा जाके सो गई। तो अभी मैं उठी हूँ और मैं मम्मी के पास बैठी हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसा लगा विला? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। ये रूम ऐसे, ये फ्रेम कितना अच्छा लगा है आपके बेड का। अच्छा है, रूम्स बहुत अच्छे हैं इस विला में, बहुत ही अच्छे हैं, मजा आ रहा है। सभी, मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। उठते ही शुरू, कुछ चाय वगैरह कुछ तो खा लो। चाय मंगवाऊं तेरे लिए? ये आ गए तीसरे जनाब, तुम्हारे लिए भी चाय बोलूं? सब लेट उठे, सब लेट उठे, सब। किसे ढूंढ रहे हो अम्मी? नाजा खाला को, बेटी खाला को प्लेट में आम लिए गई है हमारे सामने, और पूरे बंगले के हम चक्कर लगाते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ चली गई, कहाँ छुपी है वो। इतना बड़ा बंगला सच में ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इस विला में, ये विला बहुत बड़ा है और इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो सारी मम्मियां और अम्मा, स्पेशली आपने कल शोएब के ब्लॉग में भी देखा होगा, अब तक कंफ्यूज हो रही हैं। एक तो कोई कहाँ चला जाता है, कौन से रूम में चला जाता है, तो उनको ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा, अभी आज भी मम्मी अभी बेटी वालों, नाचा वालों को ढूंढ रही हैं। तो जब भी निकलो तो कोई ना कोई किसी को ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम भूल भुलैया विला में। So, वैसे तो मैं सुबह की चाय पी चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी और पी रही हूँ। जब ऐसे छुट्टी में रिलैक्स मोड में आओ तो ऐसे मन करता है ना। इस विला का एक्सटीरियर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ये पूल आपने कल शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, कल हम उस सेक्शन में बैठे थे, आपको देखिए अभी भी चेयर्स दिखाई दे रही होंगी। और ये ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा छोटा सा स्विंग सेक्शन है, ये झूला है, देखो हम लोग इसमें बैठ ही गए हैं, कल मैं इसी पे झूली थी। नहीं 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 नहीं। और यहाँ से ये भी पूरा गार्डन सेक्शन है, ये देखो, ये लड़के जो वो खेल रहे थे, जो भी उसको बोलते हैं पूल सॉकर जो भी है, वो यहीं से है। तो इसीलिए वो पूरा गोल चक्कर है और इसीलिए हम सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखो, यहाँ से भी गोल घूम के यहीं आ गए। क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं ना, हम लोग तो अपने में रह रहे हैं। एंड अब ये जनाब भी सबको ढूंढते ढूंढते रहे हो ऊपर, सब टेरेस पे, उसके नहीं नहीं वो बच्चों के रूम में। हां हां, सब तो है, देखो पहले अम्मी आई, तुम बाहर आई थी ना, शायद सब बैठे होंगे। अम्मी आई थी, अम्मी पहले, मैं काफी देर तक अकेली बैठी थी, फिर मम्मी आई, फिर अम्मी और कारी मामू वहां से आए, बेटी खाला नाचे खालो को ढूंढते हुए। वो मम्मी ने फ्रूट्स काट के दिए, तो वो लोग फ्रूट लेके ऊपर गए हैं। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, हम ऐसे चेक पोस्ट बन के बैठे हैं, जो भी आता है ढूंढता है, हम बता देते हैं। मिल गई अम्मी, किधर हो? अभी आप घूम गए, अरे शोएब इधर पीछे, ये लो इधर है अम्मी, नाजा मेरी खाला को ढूंढ रहा है 10 मिनट से। नहीं, सब सबको ढूंढ रहे हैं। चली गई थी 5 आम। फिर शोएब भाई, आप लोगों को ढूंढते हैं, सब कहाँ है? फाइनली सब लोगों ने सब लोगों को ढूंढ लिया है। अभी हम सब एक साथ बैठे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।
अम्मा के सूट, अम्मी आपको कंपटीशन देती हैं अम्मा। उतना ही शौक है, अम्मी से 2% ज्यादा है। बहुत अच्छे लगते हैं सूट। बैठना है अम्मा, अरे वाह, ये देखो इधर ना, इधर इधर, हाँ दोनों पैर रखो, ऊपर पैर कर लो, आराम से बैठ जाओ अम्मा, तो कहीं बैठ जाएगी ना। नहा लिया मैंने, चेंज वेंज कर लिया है, और यहाँ भी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि थोड़ा गर्म दिन में होता है, लेकिन 3:30-4 के आसपास बहुत, अभी इस वक्त जो ब्रीज चल रही है ना उसमें हल्की सी ठंडक है, सो प्लेजेंट है, सो दैट इज नाइस। तो मैंने सोचा कि आपको विला का टूर करवाया जाए, वो हमारे भूल भुलैया विला का, तो आप भी समझेंगे भूल भुलैया क्यों है। सो ये है पार्किंग एरिया, यहाँ से हम लोग आए थे, एंड ये विला का मेन गेट है, एंड ये रहा सेक्शन, यहाँ से जो मैं इससे पहले आपको वो सॉकर टेबल के यहाँ लेके आई थी, ये वही एरिया है, बाद में बताती हूँ। ये हर रूम में बैल्कनी है, दैट्स द गुड पार्ट। सो ये जो है ये एक रूम है, यहाँ पे पापा रुके हैं, यहाँ पे मेरी मम्मी रुकी है, ये एक रूम है, दैट इज द किचन। सो इस विला में किचन एकदम बाहर अलग से है, आइए ये देखिए। ये दो एंट्रेंस है, सो ये जो है ये डाइनिंग सेक्शन है, यहाँ पे पूरा डाइनिंग सेक्शन बनाया हुआ है, और यहाँ से जब हम एंटर करते हैं, सो ये है इन लोगों का, लड़कों का, जो हम सबको परेशान करते रहते हैं, और ये सो ये है जहाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले खड़ी थी, और ये है जो वीडियो के शुरुआत में आपने देखी, सो बोथ प्लेसेस, सो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट सर्कल अराउंड द विला। अब मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ, आइए। सो ये दो रूम्स हैं, ये एक रूम ये जो मैंने मम्मी का आपको दिखाया बाहर से, ये पापा का रूम जो मैंने आपको बाहर से दिखाया वो, और यहाँ ऊपर जाएंगे तो सिमिलर टू रूम्स ऊपर भी हैं। ये छोटा सा पैंट्री सेक्शन हम लोगों के लिए दिया हुआ है, वो फ्रिज में हमारा सामान रखा हुआ है, ये छोटा सा सिट आउट है, और ये तुम बाहर जा रही हो। एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिका यहाँ है, सो हेंस द कंफ्यूजन। अब जरा आप पीछे का व्यू देखिए, सो है ना हूबहू बिल्कुल सेम। इट्स अ 12 BHK, हमारी रिक्वायरमेंट 8 की थी, तो हमने सिर्फ 8 रूम्स खुलवाए हैं, लेकिन बहुत बड़ा है, और जो रूम का इंटीरियर्स किया हुआ है वो बहुत अच्छा है, मैं आपको बाद में अपना रूम दिखाऊंगी, जब आप देखिएगा। और चलिए अब यहाँ से हम फाइनल चलते हैं पूल के पास, जो आप सबसे ज़्यादा एरिया ये देख चुके हो, कहाँ घूम रहे हो, ऐसी फोटो खींचते हो अभी फिलहाल, थैंकफुली कोई किसी को ढूंढ नहीं रहा है, सब थोड़े थोड़े सेटल हो चुके हैं, ऑब्वियसली सेकेंड डे हाफ निकल जाता है तो सब लोग सेटल हो ही जाते हैं। सो ये वही स्पेस है जो मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, इसके बाद ऊपर टेरेस है बहुत सुंदर, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँ। क्या कह रहे हो आप, कुछ खा लो। तो मुझे पूरी सब्जी खीर बहुत अच्छी लगती है, और आज वही बना है, और अम्मी ने मुझे बोला था पता है कि खा लो, तो मैं बोला नहीं अम्मी नहीं खाऊंगी, लेकिन एक ट्रेजेडी होगी, मैंने अपनी स्मूदी बनाने के लिए मैंने ओट्स भिगो के रखे हैं, और मैं एप्पल का वेट कर रही हूँ, एप्पल अभी तक नहीं आया, और अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरी नियत डगमगा रही है, क्या करूँ, खा लो मुंबई जाके इंशाल्लाह फिर करेंगे दोनों अच्छे से, खैर अभी तो कर ही देते करते, छुट्टी पे आया तो बनता है कि नहीं थोड़ा बहुत, बस हाँ तकलीफ ना हो, तुम्हें वेट ज़्यादा सूट नहीं करता, तकलीफ ना हो, बाकी इसलिए डर भी लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, और दोनों लड़के मुझे चढ़ाते हुए गए, भाभी आप नहीं खा रहे। ये अपने ब्लॉग चल रहे हैं इनके, किसका ब्लॉग चल रहा है, मेरा। कैसा बना है, अच्छा गाँव में ये बनता है ना, खा लो अच्छी लगेगी, अब अम्मी बोल रही थी बहुत अच्छी लगी, चलो
छुट्टियों में तो चलता है ना, जाके अपन कर लेंगे। देखो पापा बाहर आके बैठे चाय पी, आज खुद आ गए टाइम से। क्या हाल है? बढ़िया, आ रहा हूँ मैं अभी। फाइनली मैंने भी खा ही लिया है। मैंने एक्चुअली ऐसी हो गई थी, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और वो एप्पल अब तक भैया ला नहीं पाएगी, यहाँ पे मार्केट थोड़ा दूर भी है तो टोटल समझ में आता है। सो इसी एनीवेज नो रिग्रेट्स, खीर पूरी बहुत अच्छी है, सब्जी बहुत अच्छी है और ये मैं चाय का वेट कर रही हूँ। चाय आएगी तो मैं पूरी सब्जी और चाय एक साथ ऐसे वो बाइट सिप ऐसे मैं खाती हूँ। अब मैं शोएब को भी खीर दे आई हूँ क्योंकि खीर उनकी पसंद की बनी है। और मैंने पापा के बर्थडे पे ना कुछ बहुत स्पेशल बनाया था, पहली बार कुछ ट्राई किया था विच इज़ वाइट चिकन पुलाव, और वो काफ़ी अच्छा बना था। अम्मी और सबा को तो बहुत पसंद आया। रेसिपी मैंने शूट की थी लेकिन वो व्लॉग किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रेसिपी मैं शूट करूँ और आपके साथ शेयर नहीं करूँ तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग वो रेसिपी देखिए और तब तक मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल। ये चावल, ये गरम मसाले, नहीं इमली को अवॉइड की, ये गरम मसाले, ये मैंने अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट बना के रख लिया है, ये मैंने सॉफ्ट पीस के जस्ट अभी रखी है और अभी मैं बनाऊंगी कोरमा मसाला। मेरी जो है रेसिपी बुक है जो प्रूफ है कि मैं बहुत यूज़ करती हूँ, तो ये कोरमा मसाला मैं बनाऊंगी और उसके बाद मैं कोरमा भी बनाने वाली हूँ। बन गया है मेरा कोरमा मसाला, अब इसे मैं ढक के साइड में रख देती हूँ और सबसे पहले हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि चिकन हमें थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करना है। तो ये 1400 ग्राम्स चिकन है, मैंने क्लीन करने के बाद इसे मेजर किया है। तो इसमें अब हम ये सब कुछ डालेंगे। सबसे पहले ये है 400 ग्राम दही, ये मैं इसमें डाल दूंगी और ये फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया है मैं ये 4 टेबल स्पून इसमें डालूंगी। नाइस। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये है फ्रेश पीसा हुआ सौंफ का पाउडर, वो जो बड़ी सौंफ होती है उसको मैंने पीस लिया है, तो ये मैं इसमें डालूंगी करीब 3 बड़े चम्मच। एंड नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, फिर बाद में टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। एंड ये मैंने हरी मिर्च का पानी डाल के पेस्ट बना लिया है तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये हम डालेंगे करीब 3 से 4 टेबल स्पून, जैसे भी आपको पसंद हो, तीखा कम ज्यादा आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमें 2 चीजें करनी है, सबसे पहले प्याज काटना है और उनको फ्राई करना है एंड साइड में जो चावल हैं उन्हें मेजर करके भिगो के रख देना है 1/2 घंटे के लिए। मैं कर रही हूँ सबसे डिफिकल्ट काम कुकिंग का जो कि है प्याज काटना। हालांकि ऐसे भिगो के काटो तो वाकई में आंसू नहीं आते। सो मैंने लिया है 1400 ग्राम्स ऑफ चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया और मैं चावल भी 1400 ग्राम्स ही लूंगी, तो इसीलिए प्याज जो मैंने लिए है वो है 1 2 3 4 5 6 7 7, ये छोटे हैं इसे मैंने 7 लिए। अगर आपके इससे थोड़े बड़े वाले साइज के हैं तो आप 6 भी ले सकते हो। यहाँ मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग वाली फ्लेम पे बड़ा सा वेसल रख लिया है क्योंकि हम चावल भी इसी में कुक करेंगे तो वेसल बड़ा अच्छे से चावल खुले बनने चाहिए ना। तो इसमें अभी मैं डालूंगी ऑयल और इसे गरम होने दूंगी, फिर इसमें डालेंगे मसाले। हाँ जी, हाँ जी, क्या बना रही हो? काहे आ गए आप ऐसे? मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। खाओगे? नहीं। तो फिर क्यों आए हो? खाने वाले बनो तो आओ। जाओ चिकन कीमा खाऊंगा ना मैं अपनी अमन रोटी। वो तो मैं पापा के लिए बना रही हूँ, पापा इज़ अ बर्थडे बॉय। नहीं, वो सिर्फ पापा के लिए बनेगा। आपको खाना तो पुलाव खाओ। ऑयल गरम होते ही हमने सारे प्याज उसमें डाल दिए, इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। So, ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें से हम थोड़े से निकाल लेंगे फॉर गार्निशिंग से अराउंड हाफ या हाफ से थोड़े से कम,
बाकी हम इसी में रहने देंगे। और अब यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं, ये है तेज पत्ता 4, ये है करीब 12 से 15 लौंग, ये है अराउंड 20 काली मिर्च, ये है 7 हरी इलायची, ये 4 बड़ी इलायची यानी कि काली इलायची, ये इतना सा दालचीनी, ये आप देख सकते हैं ये एक टुकड़ा बड़ा है और काफ़ी थिक है, इसलिए ये जो है मैंने छोटे छोटे ही लिए हैं, और ये करीब एक बड़ा चम्मच या समझिए तो छोटे चम्मच यानी कि 2 टीस्पून ऑफ जीरा। तो अब ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। और इससे भून लेंगे हम, जब तक गरम मसालों की खुशबू नहीं आती तब तक हम इसे भूनते रहेंगे अच्छे से। एंड नाउ इज द टाइम टू पुट द चिकन। तो ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और ये मैंने करीब 9 से 10 छोटी छोटी हरी मिर्चें ली हैं, आपको कम ज़्यादा करना है योर चॉइस। मैं मिर्च के लिए हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग मिर्च थोड़ी कम रखते हैं, आप लोग जो ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं वो क्वांटिटी हमेशा अप डाउन कर सकते हैं। बस अब हम इसे थोड़ी देर तक कुक होने देंगे, जो मसाला है वो हमें पूरा सुखा देना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो ये देखिए, ये मैंने साथ में कूट लिया है जायफल और जावित्री। और अब हम ये देखिए, ये चिकन है ना अपना पूरा पानी इसमें छोड़ रहा है, तो बेसिकली हमें भून भून के, यहाँ पे ढकिएगा मत, हमें ढकना बिल्कुल नहीं है इस पॉइंट पे, खुला रहने दीजिएगा जब तक वो पूरा पानी सूखता है। एंड इसी स्टेज पे आप इसमें करीब 1.5 से 2 टीस्पून यानी कि छोटा चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। जायफल और जावित्री का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर ज़्यादा हो गया तो इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ यू नो ओवरपावरिंग ऑल द फ्लेवर्स। तो इसीलिए ये दो ऐसे मसाले हैं, ये हो गया दालचीनी हो गया, जो बहुत करेक्ट प्रपोर्शन में जाने चाहिए। So, ये मैं करीब 10 से 15 मिनट तक भुना है और ये देखिए इस तरीके से इसका ऑलमोस्ट सारा पानी जो है वो सूख गया है। तो अब मैं इसे 5 मिनट और भूनूंगी और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, फिर नमक डालेंगे और फिर चावल डालेंगे। सो ये देखिए चिकन का कलर इतना अमेजिंग, मसाले का कलर एकदम प्यारा सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ये चावल, ये मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे, मैंने अच्छे से रिंस कर लिया है, अब ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको हम एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा बस। जब भी मैं इस तरह से पॉट में पुलाव बनाती हूँ ना, जब मुझे प्रेशर नहीं देना होता या जब मुझे पानी स्ट्रेन नहीं करना होता, तो मैं हमेशा चावल से इतना ज़्यादा पानी रखती हूँ। तो देखते हैं, नहीं हमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। परफेक्ट। सो ये देखिए, ये पूरी तरह से पानी जो है सूख चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर, ये मैंने मिक्स करके रखा था, और ऊपर से ये फ्राई किए हुए जो अनियन हमने साइड में निकाले थे वो। उसके बाद इसे हम नींबू का रस थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसे ढक के एकदम लो फ्लेम पे हम 15 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे और फिर ऑफ कर देंगे फ्लेम, और उसके बाद जब आप खाने वाले होंगे जस्ट उससे पहले खोलिएगा। चलिए, टेबल इज सर्व्ड, ये पाव और ये केक जो शुगर फ्री है रिंकू ने भेजा है, और ये कीमा, पापा की पसंद का चिकन कीमा, ये है पुलाव जो अब तक मैंने खोले नहीं है, और ये है चिकन कोरमा, और ये कबाब मैंने मंगा लिए जो पापा को सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये कटे हुए अनियन, इसके बिना तो अधूरा होता है, और ये रुमाली रोटी भी मैंने बाहर से मंगाई है। सो द टेबल इज सेट। ठीक बना है? बिरयानी चावल ये सब चीजें ज्यादा खाने, और कहते रमजान में इतना खाया नहीं, नहीं ना, तो बहुत अच्छा। कैसा है? बहुत अच्छा है। सब तो सही है, नमक वगैरह सब कुछ अच्छा है।
अब अम्मी खा के बताएंगी सही है क्या कम है। कमी कोई चीज की कमी नहीं, पक्का ठीक बना है, पक्का कोई चीज की कमी नहीं। अभी बहुत दिन में खाया है ना, हाँ। तो बिरयानी से भी ज्यादा अच्छा स्वाद इसका मिला है। बिरयानी तो अच्छी होती है लेकिन जैसे पुलाव अखनी पुलाव नहीं होता, हाँ, हाँ। वो जैसा लग रहा है। अच्छा। बहुत बहुत अच्छा ठीक है अच्छा। खाना तो कभी नहीं बिगड़ सकता।